उनको एहसास नहीं था। और मैं आज से नहीं, आप मेरे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ली है आप लोगों के चर्चा की, तब भी मैंने कहा 9 सीट हम इंदौर में जीतेंगे, 160 हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। आज से नहीं कह रहा हूँ, एक मैंने पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि हम जमीनी जमीन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैं किसी रेस में नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, तो आप रेडी रहेंगे मुख्यमंत्री? मैं ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या? आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी क्या, नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व, तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक नंबर में कैसे आप देखते हैं जीत को, अपनी जीत को कैसे देखते हैं? मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा वोट से मैं जीत रहा हूँ, और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और मुझे आश्चर्य है कि जो वहाँ के स्थापित विधायक थे वो अपने खुद के पोलिंग बूथ पे भी हार गए। तो मतलब अपने मोहल्ले में जो नहीं जीत पा रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि मैं बाहर का हूँ, तो मोहल्ले वाले ने उनसे कह दिया कि नहीं कैलाशी अंदर के हैं, आप बाहर जाइए। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए, खासतौर अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी भी चल रहा है, जयंत वर्मा, तमाम जैसे बड़े नेता। देखिए अहंकारी लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मालवा के जितने अहंकारी नेता थे, जो समझते थे कि जीत हमारी जेब में रखी हुई, जनता ने उनको आईना दिखाया है। मैं एक का नाम नहीं लेता, मैं दो का नाम नहीं लेता, मैं तीन का नाम नहीं लेता, मालवा के जितने भी नेता है कांग्रेस के सब हार रहे। इस बार आपने एक बात को तो आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री जो होगा प्रदेश का ही होगा, बाहर का नहीं होगा जी, एक बात को लेकर आपने आश्वस्त किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था मुख्यमंत्री जो भी होगा बाहर का नहीं होगा, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं होगा। हाँ, मध्य प्रदेश के बाहर का हो भी नहीं सकता। देखिए बहुत साफ दिखा जा दे रहा है इस देश की राजनीति के अंदर, मोदी जी की राजनीतिक ऊंचाई का कोई भी व्यक्ति नहीं है, और मोदी जी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास कोई दूसरा नहीं है। यूं ही थोड़ी कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, कोई सी भी समस्या हो, अभी जैसे उत्तराखंड की घटना हुई, मजदूर फंसे, मजदूर ने बाहर निकलने के बाद कहा कि हम भगवान को याद करते थे और आपको याद करते थे, इसलिए कि आप यूक्रेन में फंसे लोगों को निकाल लेते थे, विदेशों में कहीं पे भी भारतीय फंसा होता उसको निकाल लेते, हम तो आपके देश में फंसे थे तो हमें विश्वास था कि आप निकालेंगे। ये विश्वास देश की जनता में मोदी जी के लिए है, ये देश में आज किसी भी नेता के लिए नहीं, और इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 400 से ज़्यादा सीट पर भविष्यवाणी पूरी होने वाली है 100%। मैं ज्योतिष नहीं हूँ पर राजनीति कार्यकर्ता हूँ, और आकलन मेरा जमीनी हकीकत के आधार पर होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।